नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पारुल और एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल नेचर मेनिया पर स्वागत करती हूं। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूं वो है एलोवेरा। एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जो हर घर में मिलता है, लेकिन इसकी खूबियां इतनी ज्यादा हैं कि इसके बारे में सभी लोगों को शायद नहीं पता होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे, क्या हमें एलोवेरा की खूबियों के बारे में भी नहीं पता? तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, जिससे कि मेरी इस बात को आप सत्यापित कर सके। क्योंकि एलोवेरा में खाली हेयर्स के लिए और आपके स्किन के लिए ही खास जो चीजें होती हैं वही नहीं होती, बल्कि और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हमें पता नहीं होता। जो भी प्लांट लवर्स होते हैं वो हर चीज जानना चाहते हैं कि उनके प्लांट्स को ज्यादा से ज्यादा अच्छा और सुंदर कैसे बनाया जाए और कैसे उनको हेल्दी रखा जाए। तो हमारे प्लांट्स में ही कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम अपने प्लांट्स को ही दे सकते हैं, और वो है एलोवेरा। जी हाँ दोस्तों, हो गया ना आश्चर्यचकित, क्योंकि एलोवेरा ही एक ऐसा प्लांट है जिससे आप एक पेस्टिसाइड की तरह से यूज कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे, मैं आज इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। दोस्तों, जब भी हम एलोवेरा को यूज करते हैं तो हम कुछ गलतियां कर रहे होते हैं। उसकी वजह से होता क्या है कि कुछ लोगों की स्किन इतनी ज्यादा सेंसिटिव होती है कि वो एलोवेरा को लगाने के बाद उनके फेस पर या स्किन पर खुजली होती है या रैशेज आ जाते हैं। उसका एक सबसे बड़ा रीजन होता है जो कि हर किसी को नहीं पता होता, और इस वीडियो के माध्यम से मैं इस बात को जरूर से शेयर करूंगी, क्योंकि ये बात का जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब जैसे मैंने ये वाली जो लीफ है इसको मैं हटा लूंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अजीब सी है, इसको ही मैं हटा लूंगी। इनको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, और जब भी आप इसको स्किन के लिए यूज करते हैं तो आपको क्या करना है कि इनको कई जगह से कट करना है। कई जगह से कट करने के बाद आपको पानी में इसको इस तरीके से डुबो कर रख देना है। होगा क्या कि जब आप इसको पानी में 1-1.5 घंटे के लिए डिप करके रखेंगे तो इसमें से एक येलो कलर का लिक्विड निकलता है। ये तो हेल्दी लीफ नहीं है। तो जब भी आप फेस के लिए यूज करें तो इस तरीके से काट कर पानी में डिप करके रख दें। थोड़ी देर के बाद आप नोटिस करेंगे कि पानी जो है वो येलो कलर का हो गया है, और वो जो येलो वाटर है वो आपको अपने पौधों में देना है एज अ पेस्टिसाइड। और देना कैसे है, कुछ नहीं करना है, स्प्रे बॉटल में उसको डाल देना है और अपने पौधों के ऊपर, पत्तों के ऊपर भी, नीचे भी, पीछे की तरफ, क्योंकि क्या होता है जब भी मौसम चेंज होता है। ये तो हो गया है पेस्टिसाइड बनाने का तरीका। अभी वीडियो बनाते बनाते ही आपको पानी में चेंज नजर आ जाएगा, आधे घंटे के अंदर अंदर ही। इसमें से आपने देखा भी होगा, जब भी आप कोई हेल्दी लीव तोड़ते हैं तो उसमें से आपको येलो कलर का जो है एक लिक्विड निकलता हुआ दिखता है, वो आपकी स्किन के लिए बिल्कुल पॉइजन की तरह काम करता है। दोस्तों, इस चीज का पता होना सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको आपको हमेशा यही करना है कि पहले आपको पानी में इसको भिगो कर रख देना है, जगह जगह से आपको इसे कट करना है और पानी में डिप करना है, फिर आपको इसकी कवर आउटर जो लेयर है इसकी, इसको हटाकर फिर आपको एलोवेरा जेल को अपने फेस पर या अपनी स्किन पर अप्लाई करना है। तो ये बहुत जरूरी टिप है, आपको इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो जो भी आपको एलोवेरा ऐसा लगता है कि अब ये खराब होने वाला है, उसको हम पेस्टिसाइड की तरह यूज करेंगे। तो जितनी भी आपकी जो नीचे की लीव्स होती हैं उन्हें अगर आप हटाते रहते हैं तो आपका एलोवेरा जो है वो हेल्दी बना रहता है। इनके ऊपर जो मिट्टी लगी हुई है मैं ये भी जो है हटा नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे ये पौधों के लिए ही यूज करना है, स्किन के लिए नहीं करना। तो मैं बस इनको तोड़कर रख देती हूँ ऐसे ही। तो जो भी येलो इसका निकलेगा वो मैं अपनी इस स्प्रे बॉटल को लेकर बैठी हूँ, इसी से इन पर स्प्रे कर दूंगी। और जो पानी इसमें, जो बाकी जो ये वाला हिस्सा होगा उसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर मैं अपनी सारी की सारी मिट्टी में, जो है जितने भी मेरे पौधे हैं उन सबकी मिट्टी में इसको अप्लाई करूंगी, और आपको स्प्रे कर देना है और मिट्टी में भी इसके पानी को डाल देना है। अब जो आपने ये जो येलो पानी इसका निकलेगा उसको तो आपने पौधों के ऊपर स्प्रे करना है, और जो आपने एलोवेरा का पानी बनाना है
बिना पत्ते हटाए ही आपको मिक्सर ग्राइंडर में उसको पीस लेना है और उस पानी को छानकर आपको जो है बिना छाने भी आप अपनी मिट्टी में दे सकते हैं। तो ये एक मिट्टी के अंदर जो भी कीड़े होंगे वो भी सही हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, और जो आपके पौधे के ऊपर जो कीड़े होते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। जिसकी वजह से होता क्या है, अभी इस टाइम पर जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होती है तो कोलियस जो है, कोलियस के पनपने का टाइम भी यही होता है, और इसी टाइम पर इसमें लग जाते हैं बड़े बड़े से कीड़े, और उनको हटाने के लिए मैं हमेशा इसी स्प्रे का यूज करती हूँ। खुद ही जो कीड़े हैं वो मर जाते हैं और खुद ही झड़ जाते हैं। देखिए मेरे किसी भी प्लांट पर, मेरे किसी भी कोलियस पर और किसी भी प्लांट पर, इस पर भी जो ये क्रॉटन का प्लांट है इस पर के ऊपर भी लीव्स के पीछे बहुत सारे कीड़े हो गए थे और मैंने इसी के स्प्रे से इनको भी क्लीन कर दिया है। खुद ही क्लीन हो जाते हैं दोस्तों जब आप इस पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, और ये एक नेचुरल पेस्टिसाइड है, इसके लिए आपको कुछ भी एक रुपया भी खर्च करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कुछ लोगों के लिए एलोवेरा को ग्रो करना भी बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता। क्यों नहीं होता ये बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती है, क्योंकि एलोवेरा को ग्रो करना तो सबसे ही आसान काम होता है। एलोवेरा को अगर आपने एक बार लगा दिया तो वो जो है उसके बराबर से छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। आप देखिए छोटा सा कंटेनर है, हालांकि एलोवेरा को आपको हमेशा एक रेक्टेंगुलर शेप के कंटेनर में लगाना चाहिए, क्योंकि उसके बराबर से बहुत सारे बेबी निकलते हैं, बेबी पप्स निकलते हैं, बेबी प्लांट्स। ये देखिए जैसे कि ये नया है, तो जब भी मेरे पास कोई बड़ा पॉट होगा तो मैं उसमें इनको शिफ्ट कर दूंगी, और छोटे से पॉट में भी हालांकि ये चलता रहता है, लेकिन आपको छोटे में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत यूजफुल प्लांट होता है और आपके पास ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ये प्लांट होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग एलोवेरा का जूस भी पीते हैं, और जो लोग पीते हैं उनको भी इस बात का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए, जो लोग भी एलोवेरा का जूस पीते हैं उन्हें भी खास तौर से इस चीज का ध्यान रखना होगा कि पहले आप एलोवेरा की लीव्स को हमेशा पानी के अंदर कट करके छोटे छोटे पीसेस में पानी के अंदर कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए रख देना है। उसके बाद ही आपको एलोवेरा का जूस बनाना है, और जूस बनाते टाइम भी आपको इसकी जो बाहर का जो कवर है उसको हमेशा से अलग हटा देना चाहिए, और जब आप अंदर से पीसेस कट करते हैं इसके तो उनको भी आपको कम से कम 1/2 घंटे के अंदर अंदर पानी में रखना जरूरी है, क्योंकि उसका जो पॉइजन होता है वो आपको नुकसान दे सकता है, फायदा तो क्या ही पहुंचाएगा। इसलिए इस चीज का खास तौर से मैंने स्पेशल इसीलिए इस वीडियो को बनाना प्रेफर किया, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी और इसको आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी था मेरे लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि एलोवेरा लगाने में लोगों को प्रॉब्लम क्यों आती है। तो उसका सबसे पहला रीजन तो ये हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा, उसके लिए बहुत ज्यादा जल्दबाजी करते होंगे कि मेरे पौधा जो है वो जल्दी से पनप क्यों नहीं रहा है। जब भी आप एलोवेरा का प्लांट लगाते हैं तो आपको उसे लगाकर छोड़ देना है, और उसको बहुत ज्यादा बार बार देखना नहीं है, टच नहीं करना है, क्योंकि इसे बहुत ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती। अगर आप इसे जितना ज्यादा आप इसे इग्नोर करेंगे उतना ही अच्छा होगा। आप ये देख लीजिए, मैंने एक छोटा सा लगाया था और इससे ही ये कितने सारे बेबी प्लांट्स इसमें निकल गए हैं, और ये कितने सुंदर तो लगते ही हैं, अपने अपने घर की शोभा को तो ये बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, और आपको पता ही है कि इसकी मेडिसिनल वैल्यूज भी कितनी ज़्यादा हैं, तो वो तो चीज़ें बताने की भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात करती हूँ कि आपको इसमें पानी कितना देना है दोस्तों। तो पानी ही इसका जो है इसको ख़राब करने का सबसे बड़ा रीज़न होता है। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा पानी देंगे, एक्सेस करेंगे पानी की, तो ये पौधा आपका नहीं चलेगा। जैसे कि मैंने बताया, आपको इसे ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करना होगा। एक बार आपने इसको लगा दिया तो आपको इसे बिल्कुल भी दोबारा से टच नहीं करना है। तो यही इसका रीज़न होता है कि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता होगा सभी का। तो पानी में आपको इसे नहीं रखना है, और पानी के साथ साथ बरसात में भी आपको इसे खुले उसमें नहीं रखना है जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा आती हो, क्योंकि बारिश में ये पौधा गल जाता है। अपने सभी गमलों को जैसे ही बारिश का मौसम शुरू हो और जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश आती है, तो उनको जो है अपने किसी शेडेड एरिया में अपने एलोवेरा को रख देना चाहिए। फिर उसके बाद आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें 2 हफ्ते में भी पानी देंगे तो ये कहीं जाने वाला नहीं है। और क्योंकि ये डेजर्ट एरिया का प्लांट है, इसलिए आपको इसकी मिट्टी को कैसा रखना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको 60% इसमें रेड डालना है और 40% आपको इसमें गार्डन सॉइल रखनी है। ये रेशो अगर आप रखेंगे तो आपका पौधा कहीं भी जाने वाला नहीं है।
अगर आप इसकी बहुत ही ज्यादा केयर करना चाहते हैं तो बस इन चीजों का ध्यान रखना है कि जैसे मैंने बहुत दिनों से इसे देखा नहीं है, आपको पता चल रहा होगा कि ये पौधा मैंने बहुत दिन से नहीं छेड़ा है, तो आपको बस करना यह है कि जितने भी एक्स्ट्रा प्लांट इसमें उग जाते हैं बस उनको हटा देना है इस तरीके से। ज्यादा गुड़ाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा गुड़ाई से होता क्या है कि जो भी बेबी प्लांट्स निकल रहे होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं। तो आपको गुड़ाई वगैरह ज्यादा नहीं करनी है, बस आपको जब आप मिट्टी तैयार करें तो इस तरह की मिट्टी तैयार करें कि आपको बार बार इसमें गुड़ाई की जरूरत ना हो। मिट्टी आपको इसमें पोरस, इसमें पानी ठहरना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं उनमें भी पानी होता है और आपको पता है ये भी लिक्विड से भरा हुआ होता है। ये देखिए दोस्तों, इसका पानी मैंने अभी सिर्फ 10 ही मिनट हुए हैं और इसके पानी में कलर चेंज होना शुरू हो गया है। जब भी आप कोई प्लांट इस तरह का लेते हैं तो आपको हमेशा इन चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और क्या इसकी अच्छाइयां हैं। हमें दोनों ही पक्षों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि किसी भी चीज की अच्छाई और बुराई सभी कुछ होती है। जैसे एक इंसान होता है, सेम ऐसे ही प्लांट्स भी होते हैं। भगवान ने हर चीज के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स भी बनाए हुए हैं, तो उन चीजों का भी हमारे लिए पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपने इस पौधे को बहुत ही अच्छा रखना है तो आपको इसे ज्यादा से ज्यादा धूप में रखना चाहिए, क्योंकि ये धूप वाला पौधा है और सन लविंग प्लांट होने की वजह से ही ये सन में बहुत अच्छा पनपता भी है। इसलिए आपको इसे धूप में रखना है। सिर्फ बरसात में आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप ऐसी जगह पर इसको प्लेस करें जहाँ पर धूप तो आ जाए लेकिन बारिश ज्यादा इसके ऊपर ना पड़े। अगर आपने अपने एलोवेरा को एज अ शोपीस भी रखना है तो आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे इसे रखना होगा तो मैं इसका जो सबसे सुंदर वाला पार्ट है उसको ही एक कंटेनर में लगा दूंगी अलग से। तो जो भी इसका अभी जो अगर अपने छोटे कंटेनर में आपको इसको लगाना है और अपने आसपास ही आप रखना चाहते हैं, आपकी किचन में भी थोड़ी बहुत धूप आती है और वहां पर आप लगाना चाहते हैं कि मैं मुझे ज़्यादा दूर ना जाना पड़े किसी चीज़ को लेने के लिए, तो आप इस तरह के छोटे से कंटेनर में भी लगा सकते हैं और वो वहां पे भी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। अपने एलोवेरा की प्लांट को बहुत अच्छे से चलाना है तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। जब भी कोई ब्रांच इसकी हैवी हो जाए तो उसी वाली ब्रांच को आपको कट करना है। कट करते हुए हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि आपको कौन सी वाली ब्रांच को कट करना है। जो भी एक साइड से झुक जाती हैं ब्रांचेस या बहुत ज्यादा हैवी और बहुत ज्यादा भरी हुई होती है मटीरियल से, वही वाली ब्रांच जो है मैं हमेशा कट करती हूँ। और जैसे कि कुछ ब्रांचेस जो है इस तरह से नीचे की तरफ हो जाती हैं और गलने लग जाती हैं, उन ब्रांचेस को भी आपको हटाते रहना चाहिए। जो भी ब्रांच आपकी गल जाए या खराब हो रही है, सूख रही है, उस ब्रांच को अलग कर देने से भी आपका जो पौधा है बहुत अच्छे से सर्वाइव कर। हमेशा हर पौधे में इसी तरह का जो है नुस्खा अपनाती हूँ कि कोई भी लीफ अगर किसी भी प्लांट की खराब हो रही है, देखिए मेरा कोलियस कितना हेल्दी है, तो मैं क्या करती हूँ उसकी उसी वाली लीफ को अलग कर देती हूँ। और इसी तरीके से जो भी प्लांट के ऊपर सूखी हुई लीव्स होती है उन्हें भी हमें हमेशा से अलग करते रहना चाहिए। और ये होता है एलोवेरा, ये जो है हमारे पौधों को हेल्दी रखने का सबसे बढ़िया तरीका होता है। आज जो मैंने आपको पेस्टिसाइड बनाना सिखाया है दोस्तों, इस पेस्टिसाइड का आपको ज़रूर से यूज़ करना है, क्योंकि ये जो है एक बहुत ही बढ़िया मैंने आपको तरीका बताया है। और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको पौधों के ऊपर इस तरीके से पत्तों के ऊपर और पत्तों के पीछे की तरफ भी आपको इसको स्प्रे करना है, क्योंकि ज्यादातर कीड़े जो है वो छुपे होते हैं पत्तों के पीछे की तरफ। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको ये जो स्प्रे करना है ये पत्तों के पीछे की तरफ ध्यान रखते हुए, और आपको कभी कभी चेक करते रहना चाहिए कि कहीं कोई कीड़ा लग तो नहीं गया है। तो इस चीज का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी वीडियो में मैं एलोवेरा के ये जो बेबी प्लांट्स हैं इनको आपको लगाना कैसे है वो भी लगाकर दिखाऊंगी। हो सकता है कि आप लगाने में थोड़ी बहुत गड़बड़ करते हो, उसकी वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि हम लगाने में ही गड़बड़ कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा जो प्लांट है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इन बेबी जो प्लांट्स हैं इनको कैसे लगाना है ये सब मैं आपको बताऊंगी, और इसके लिए आपको किस तरह की मिट्टी प्रिपेयर करनी है ये भी मैं आपको पूरा डिटेल में बनाकर दिखाऊंगी। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोग जो है अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और खिलखिलाते रहिए इन प्लांट्स की ही तरह। तब तक के लिए बाय बाय।